नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग थ्योरी ऑफ रीजनल इम्बैलेंस या थ्योरी ऑफ रीजनल डेवलपमेंट को स्टडी कर रहे हैं। इसमें हम लोग पांच थ्योरी को मेंशन किए थे और पहला जो चार थ्योरी है ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। जैसे पहला सुपरफिशियल थ्योरी, द इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट बेस्ड रीजनल मल्टीप्लायर मॉडल, थ्योरी ऑफ कम्युनिटी कॉन्सेशन बाय मिनरल। इसके द्वारा ये हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। मिनरल बोलते हैं कि फोर स्टेजेस होते हैं किसी भी रीजन के डेवलपमेंट के लिए। फर्स्ट स्टेज में इंटीग्रेशन ना होने से चलते क्या होता है, नो डेवलपमेंट होता है, यानी सब इक्वली डेवलप होते हैं, और लास्ट स्टेज में फुली इंटीग्रेशन होता है। ऐसे ही फ्राइडमैन ने कोर पेरिफेरी मॉडल दिया, यानी कि मिनरल और कोर पेरिफेरी मॉडल आपको एक जैसा लगाव में दिखेंगे। इन्होंने भी चार स्टेज दिए हैं लेकिन अलग अलग नाम दिए हैं, ठीक है। तो मिनरल फ्राइडमैन क्या बोलते हैं उसको इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। तो देखो फ्राइडमैन क्या बोलते हैं कि सम रीजन डेवलप्ड होता है रैपिडली बिकॉज ऑफ सम फेवरेबल रीजन। जैसे पिछले कम्युनिटी कॉन्सेशन में भी देखे थे, कुछ जो सेंटर होते हैं लोकेशनल एडवांटेज चलते ज़्यादा ग्रो करते हैं। वैसे फ्राइडमैन भी बोलते हैं कि कुछ रीजन जो होते हैं रैपिड ग्रो करते हैं क्योंकि सब फेवरेबल रीजन होते हैं और वहाँ पे कोर एरिया का डेवलपमेंट होता है, यानी कि कोई रीजन में एक कोर एरिया होगा उसका डेवलपमेंट होने लगता है। वहाँ पे जो हम लोग देखते हैं कम्युनिटी कॉन्सेशन में देखे थे कि ग्रोथ सेंटर का डेवलपमेंट होता था, यहाँ पे बोलते हैं कोर एरिया का डेवलपमेंट होता है और पेरीफेरी ऑफ द कोर एरिया अंडर डेवलप्ड होती है। तो फ्राइडमैन क्या बोलते हैं कि जो रीजन होता है वहाँ पे एक कोर एरिया का डेवलपमेंट होने लगता है और पेरीफेरी एरिया अनडेवलप्ड रहती है। तो उन्होंने फोर स्टेजेस बताया, प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी, फिर दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ कोर एंड पेरीफेरी, डिस्पर्शन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड पेरीफेरी रीजन, फिर इमरजेंसी ऑफ स्पेशियल इंटीग्रेशन। प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी में इन्होंने बोलते हैं कि एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी होती है और वहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं होती है, ठीक है। स्टार्टिंग में कोई इंडस्ट्री नहीं होती है। प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी आप देख सकते हो कि मेडिवल टाइम का इंडिया का पीरियड, कोई ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं होती, एग्रीकल्चर सोसाइटी होती है। लैंडलॉक का इन्फ्लुएंस होता है, इक्वल डेवलपमेंट होता है ऑल रीजन में, नो रीजनल इम्बैलेंस, वहाँ पर कोई रीजनल इम्बैलेंस नहीं होगा क्योंकि इक्वली डेवलपमेंट होगा, ठीक है। एग्रीकल्चर सोसाइटी विथ नो कोर एंड पेरीफेरी डेवलपमेंट, यहाँ पे कोर एंड पेरीफेरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता है पहले स्टेज में। आप देख सकते हो अफ्रीका का भी कुछ रीजन आप देख सकते हो, लेकिन अभी प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी में अब ज़्यादातर कंट्रीज नहीं है, ठीक है। फिर देखो डेवलप्ड ऑफ कोर एंड पेरीफेरी, अब डेवलपमेंट ऑफ कोर पेरीफेरी आप देखते हो, इंडिया का एग्जाम्पल आप देखते हो, इंडिया में ऐसा ही हो रहा है, इंडिया में रीजनल इम्बैलेंस है और कहीं जगह बहुत ज़्यादा डेवलप है कहीं पर अनडेवलप्ड है। तो कोर एरिया का डेवलपमेंट होता है, इसमें क्या होता है इकोनॉमिक प्रोग्रेस होता है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होता है, इनोवेशन होता है और गुड सर्विस एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज होती है। तो एक रीजन में कोर एरिया होता है वहाँ पर डेवलपमेंट अच्छा होता है। पेरीफेरी एरिया में क्या होते हैं सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, कोर एरिया के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं और लेबर प्रोवाइड करते हैं। तो पेरीफेरी और कोर का डेवलपमेंट होता है सेकेंड स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो फिर थर्ड स्टेज में क्या होता है डिस्पर्सन होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का। देखो कोर एरिया से कैपिटल माइग्रेशन कोर एरिया में हो रही है तो कैपिटल बाहर आएगी पेरीफेरी रीजन में, तो पेरीफेरी रीजन में भी बिल्डिंग्स घर बनने लगेंगे और अपने लिए गाँव में भी, जैसे गाँव में हाँ घर अच्छे लोग बनाने लगेंगे क्योंकि वहाँ बाहर से कमा के आ रहेंगे। तो डिस्पर्सन होगा। और देखो कोर रीजन अकेले फुलफिल डिमांड नहीं कर पाता सबका, तो स्पीड इफेक्ट हमें देखने को मिलेंगे और डेवलपमेंट एक्टिविटीज देखने को मिलेंगे अराउंड द कोर, ठीक है। पेरीफेरी में भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी कि कोर एरिया सारा जो डिमांड है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो पेरीफेरी में आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे। ये हो गया तीसरा स्टेज। फिर चौथा स्टेज में क्या होंगे इमरजेंस ऑफ स्पेशल इंटीग्रेशन, यानी कि कोर एंड पेरीफेरी सब इंटीग्रेटेड हो गए। कोर तो डेवलप्ड था ही लेकिन पेरीफेरी में भी बहुत सारे डेवलपमेंट देखने को मिले और वहाँ पे भी सेंटर डेवलप हो गया। जैसे मान लो दिल्ली के एनसीआर रीजन दिल्ली भी डेवलप है लेकिन एनसीआर रीजन भी डेवलप है, वहाँ पे भी सेटेलाइट टाउन जो है इक्वली आपको गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करेंगे जितनी कोर करेंगे, कोर एरिया में दिल्ली करेगा। तो क्या यहाँ पे स्पेशल इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा, पेरीफेरी जो नियरली इलिमिनेटेड, पेरीफेरी जो होता है नियरली इलिमिनेट हो जाता है, कोर भी इलिमिनेट हो जाता है और इक्वली आपको देखने को मिलेंगे सारे रीजन में डेवलपमेंट। तो चौथे स्टेज में स्पेशल इंटीग्रेशन देखने को मिलते हैं, ऐसा फ्राइडमैन बोलते हैं, ठीक है। तो ये रहा फ्राइडमैन का कोर पेरीफेरी मॉडल जो रीजनल इम्बैलेंस को बताते हैं कि रीजनल इम्बैलेंस जो नेचुरली होता है थर्ड स्टेज में रीजनल इम्बैलेंस होता है और फोर्थ स्टेज में स्पेशल इंटीग्रेशन होता है। तो किसी भी डेवलपमेंट का जो
मॉडल डेवलपमेंट का जो स्टेजेज है वो क्या सिक्वेंसली होता है, ऐसा फ्राइडमैन बोलते हैं और विंडाल भी बोलते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप आपको रीजनल इम्बैलेंस की जो थीरीज है, रीजनल डेवलपमेंट की जो थीरीज है, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग जो स्ट्रेटजी है रीजनल डेवलपमेंट को, उसको स्टडी करने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।